जब से दोस्तों हमारा फाउंटेन खाली हुआ है ना, हमारे कछुए पिजन के घर में रह रहे थे और आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपने कछुओं की कर लेते हैं सफाई। बहुत ही ज्यादा गंदे हुए पड़े हैं यार। तो हमारे घर में तो दोस्तों पानी नहीं है, हम जाएंगे अपने दूसरे घर और वहां से अपने कछुओं को करेंगे साफ और फिर वापस अपने नहलाएंगे भी। सी मतलब इसमें ना जैसे तैरते हैं ये, इसमें पानी भर लेंगे, ये तैरेंगे फिर। हाँ ऐसे भी कर लेंगे, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। तो ये मैं सारे कछुए दोस्तों उठा रहा हूँ, तो चलो यार सीते हैं, चलें और इनको करते हैं आज साफ। चलो। हेलो ईगल, कैसे हो? ये देखो ब्लैकी कौन आया है। और वो देखें दोस्तों ऑगी सामने बैठा हुआ है। आज ये डर नहीं रहा दोस्तों, नहीं तो हमें देखता था तो भाग जाता था। देखें अभी भी डर रहा है। ऑगी ऑगी इधर आओ, ये देखो ये क्या है मेरे पास, ये देखो गया। इधर तो आओ यार, काफी दिनों से नहीं दिख रहा है तुम। देखो उधर से पकड़ लो इसको। इधर से मैं हो गया, भाग गया। देखो यार ये ओगी कहाँ ओगी, यहाँ नीचे होगा, वो कोने में है। वो देखें दोस्तों कोने में ना छुपा हुआ होगी। इसको आज पकड़ते हैं, थोड़ा सा पकड़ते हैं यार। काफी दिन हो गए दोस्तों, मैंने इसको अपने हाथ में नहीं लिया। ये देखें इस कोने में छुपा हुआ है, पकड़ लो। ओगी आ जाओ, ये है जी ओगी। हाँ क्या हुआ? ओह नहीं आ रहा हाथ में। चलो काम करते हैं, कछुओं को साफ करना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो अभी दोस्तों हम करने वाले हैं अपने टर्टल्स की सफाई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदे हुए पड़े थे और काफ़ी दिन हो गए थे ये पानी में भी नहीं रह रहे थे, मतलब खुशके में रह रहे थे। तो जल्दी से दोस्तों हम इनको वॉश कर लेते हैं। पहले तो इनका टब साफ कर लो सिपैन, ठीक है? अब इनको निकाल लेता हूँ थोड़ी देर। हाँ इनको निकाल लो। ये आ जाओ, ये भी जो किधर है, जो रह गया ये जो जो। हाँ चलो ये पानी गिरा दे इधर। तो इनका टब दोस्तों साफ हो गए। अब हम ना इन कछुओं को साफ करेंगे। हमने ना टूथ ब्रश उठाया हुआ है, तो इससे इनकी सारी मैल उतर जाएगी। जिस तरह से हमारे दांत साफ होते हैं ना, उस तरह से इनकी जिल साफ हो जाएगी, है ना सितान? ऐसा ही है भाई। यहाँ पर पानी ज्यादा हो गया, तो आप यहाँ से उठाओ और उस साइड पे ले आओ। चलो तो पहले हम दोस्तों जोजो की अच्छे से सफाई कर लेते हैं, उसके बाद इसके दोस्तों की बारी आएगी। जल्द से मैं साफ करता हूँ सबको। जो दोस्तों बिल्कुल साफ हो गया है और अब इसको डाल देते हैं हम पानी में। माशाल्लाह। तो अब बारी इसके दोस्तों की। तो हमने दोस्तों सोचा है कि हम अपने कछुओं को ना मिनी जू में रख लेते हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक हमारा फाउंटेन तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर ये रहेंगे और यहाँ पर ये मजे से एंजॉय करेंगे। धूप भी इधर होती है और यहाँ पर इनको खुराक भी डाल दिया करेंगे। जब जरूरत होगी इनको हम बाहर भी निकाल के खुशकी पे भी डाल दिया करेंगे। यहाँ पर हमारे फाउंटेन का हाल देखें यार, क्या हुआ पड़ा है। देखें मट्टी है, हालांकि मैंने पेंट भी किया था फिर भी देखें गंदा हो गया है। तो यार आज मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, वो ये है कि यार हमारे फाउंटेन के लिए ना जो हमने टाइल्स मंगाई थी ना, वो भी आ चुकी हैं। वो कल से आई पड़ी हैं, तो अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सी टाइल है। यहाँ पर तुराब साहब देखें, उनको खोल भी रहे हैं। देखो यार वाओ, निकल नहीं रही ना, यहाँ से बंधी हुई है। एक मिनट यहाँ से खोल, खोलेंगे तो फिर टूट सकती है ना। सेफ आराम से, ये बेहतर है आराम से। अच्छा एक मिनट, ये देखें टाइल्स हमारे फाउंटेन की। तोड़ दी ना ये, देखो मैंने तोड़ी है। कह भी रहा था ना निकालो। अबे यार कुछ नहीं होता यार, ये हमारे फाउंटेन की टाइल, आपको दिखाता हूँ किस तरह लगेंगी। यहाँ पर देखें ये कलर देख रहे हैं आप, जैसे हमने पेंट किया था ना उससे भी अच्छा रंग लग रहा है, मुझे नेचुरल नजर आ रहा है। ये देखें इस तरह लगी होंगी पूरे फाउंटेन में, यहाँ पर भी होंगी नीचे भी होंगी, तो फिर हमारा फाउंटेन गंदा नहीं होगा। अगर गंदा भी हुआ ना, साफ करना बहुत आसान होगा, हम हर दूसरे तीसरे दिन भी साफ आराम से कर सकेंगे उसको। चलो यार ये रख दो वापस, टूट अच्छा। जाएगी। और उधर भी चलना है, मछली वालों के पास जाना है और यार मछलियों का पता करना है कि हमारी मछलियाँ कैसी है। फिर अभी हम जा रहे हैं मछली वाले के पास, वहाँ पर देखेंगे हमारी मछली की क्या सिचुएशन है, मतलब जिंदा भी है या उसने बेच तो नहीं दी, जाके उसे पूछते हैं। फिर आगे का सोचते हैं कि हमने टाइल आज लगवानी है कल लगवानी है, उस हिसाब से। तो अभी चले। और शुक्र है दोस्तों आज धूप निकली हुई है और सुकून है, बिल्कुल ठंड नहीं है, मजा हाँ। आ रहा है। तो चलो। काफी भाई कह रहे थे आप अपने ईगल को दिखाएं कहाँ चला गया भाई। ईगल हमारे यहीं पे रहता है छुप के, ठीक है? पर आना शुरू हुए या नहीं? पर आ गए। नहीं, ये देख रहे हो ये नए पर है सारे। नहीं ये नए पर यार। ओ भाई तुम्हें कहाँ पता होगा, मुझे नहीं, पता नहीं, 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 ये नए नहीं है। आओ
अभी निकलने हैं, अभी और निकलने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ निकल रहे हैं। नहीं निकले यार, डायरेक्ट तो ये बंदा मानता ही नहीं है। चलते हैं। आज लग नहीं रहा खड़ा हो, मछलियों वाला घूमे भाई। ये और है, वो नहीं है। फरमान भाई नहीं है आज, नहीं आए? अच्छा नहीं है यार, क्या कह सकते हैं भाई, हम तो आए, मेहनत की है हमने। हमने क्या रोज खड़ा होते, आज भी खड़ा होगा? नहीं खड़ा, नहीं है भाई। अब चलो भाई घर चलो, वापस घर नहीं चलते भाई, मार्केट चलते हैं, बर्ड मार्केट साथ ही है। हाँ। अभी ऐसे खाली आ जाएंगे वापस, चलो फिर कर। तो बर्ड मार्केट में हम एंटर हो चुके हैं, यहाँ से देखते हैं हमें क्या मिलता है। ए, क्या लें भाई, क्या लें, क्या लें, क्या लें, क्या लें, क्या लें, क्या लें, क्या लें? हाँ जी, इधर क्या है? ये देखो मोर। क्या है यहाँ पे? मोर, मोर, मोर है। देख रहे हो? ये तो बच्चे हैं यार, मोरों के बच्चे हैं। ऐसे मुर्गियां इसे तो बुरे, मतलब खूबसूरत नहीं है ये। नहीं हमने लेने हैं ना मोर, लेकिन हमारे बच्चे नहीं लेने, पूरा बड़े लेंगे। जब मिले तो ये बड़े, ये बड़े, ये बड़े वाले। ओ यार नजर ही नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये देखो ये क्या है, पता नहीं ये क्या चीज है। ये वो है यार, फीजन। हाँ सही है, ये ऐसी ऐसी चीजें रखनी है इंशाल्लाह, जब बनेगा मिले तो फिर देखा क्या। हेलो हेलो भाई साहब, कैसे हैं आप? तो यार सारी मार्केट हमने घूमी है फिरा है, लेकिन जो भी चीज हमें अच्छी लगती थी ना, हम ये सोचते थे कि भी हम ले तो आएंगे, वहां पर जगह नहीं है सही प्रॉपर, सर्दी बहुत ज्यादा है, कुछ उनको हो गया तो फिर क्या होगा। इस वजह से हमने उधर गए फिर वापस आए, फिर उधर गए फिर वापस आए, फिर आखिर हमने यही सोचा कि यार अभी हमें खाली आ जाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए हम केयर से नहीं कर पाए। अचानक है, हमारा इरादा नहीं था, इरादा नहीं था, ठहरे हुए थे तो सोचा कि यार विजिट कर लेते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए, लेकिन नहीं नहीं लिया अभी कुछ, फिलहाल चलते हैं। फिर नहीं लेते यार, टाटा बाय बाय, कुछ भी नहीं ले सकते। हेलो हेलो, जाते जाते हमें याद आया घास खत्म हो गया, तो यहाँ से घास भी ले लेते हैं। ये घास बिल्कुल फ्रेश है, अभी अभी आया है, तो ये वाला लेते हैं, है ना? तो आप दरवाजा खोलो, सीधा जल्दी गिर जाएगा सर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इन बेचारों को यार लेट मिल रहा है आज घास, तकरीबन एक घंटा लेट। चलो उधर डाल दो ना। आज दोस्तों मार्केट से खाली हाथ आए हैं, वहां पर जो हम चीज देखते थे ना, बस हमारे जहन में ये आता था कि हमारा सेफ्टी रूम अभी बना नहीं है, उनको हम कहाँ पर रखेंगे, तो इस वजह से हम वापस खाली हाथ आए। तो यार मैं आपको बताता हूँ सेफ्टी रूम का काम कहाँ तक पहुँचा है। कल ये वाली साइड कंप्लीट हो गई थी, आपने देख लिया था, और आज जो है ना ये वाली साइड भी बन चुकी है, यानी कि लेफ्ट साइड भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ये लो भाई खाओ, अब इन बेचारे डक्स को और मुर्गियों को देंगे। चलो 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 चलो, यहाँ पर रख दिया। और इधर दोस्तों लकड़ी भी आ चुकी है, और ये यहाँ पर सेटिंग होगी, अभी कच्चा है, इसको टच नहीं करना सिप्तान। ओके, ये इस तरह से फ्रेम बनेगी और हमारी लगेगी विंडो, जो कि आज सामान आ चुका है, कल इंशाल्लाह ये वाली सेटिंग सारी की सारी हो जाएगी, और ऊपर हमारी छत भी तैयार हो रही है। मैं आ सकता हूँ ऊपर? आपको नीचे आना पड़ेगा बेटे। ये देखें दोस्तों, हमारी छत पर भी प्लास्टर लगना शुरू हो चुका है, ये वाली साइड हो गई है, अब ये वाली रहती है, तो ये भी इंशाल्लाह आज हो जाएगी, तो हमारा सेफ्टी रूम तैयार हो जाएगा बहुत जल्द। ये भी पहन लो, रात को ठंड पड़नी होती है। चलो शाबाश, इसने कल क्या किया था, अपना स्वेटर उतार दिया था, तो इसको पहना रहे। आ जाओ यार सिप्तान जल्दी ऊपर आओ, इन्होंने खा लिया, अब रैबिट्स और मुर्गियों की बारी है ऊपर वाली। जल्दी बंद कर दो, बाहर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, जल्दी आओ जल्दी, वो बाहर निकल रही है। चलो चलो आ जाओ। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं छत पर, और हम अपने छोटे रैबिट के लिए और मुर्गियों के लिए घास लेकर जा रहे हैं, और उनको ये वाला घास खिलाते हैं। छोटा रैबिट इधर है, आ जाओ भाई, देखे देखे कैसे आ गए दोस्तों, सारे के सारे परिंदे आ गए, इनको पता है कि यहाँ पर आए हैं, हमें कुछ ना कुछ देंगे लाजमी, तो डाल दो ये घास यहाँ पर, डाल दो सारा। चलो माशाल्लाह, और दाना भी डाल दो सिप्तान। मैं डाल दूँ? हाँ चलो शाबाश। जिनको दोस्तों घास पसंद है वो घास खा रहे हैं, और जिनको मिक्स दाना पसंद है वो मिक्स दाना खा रहे हैं, दोनों किस्म के खाने यहाँ पर मौजूद हैं।
तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आज हमने कछुओं को ना साफ कर लिया है और बिल्कुल वो उनकी जो स्किन है ना ऊपर वाली बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई है और बहुत ही प्यारे लगने लग गए हैं अब। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।